ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। एक ऐसा युद्धपोत जिसका नामकरण टापू के नाम पर हुआ। ये राहत मिशनों का आदर्श मंच है। ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ता है। ये है भारतीय नौसेना का INS तरासा। आज बात होगी साल 2017 से भारतीय नौसेना में सेवा दे रहे INS तरासा के बारे में। भारतीय नौसेना में शामिल निगरान युद्धपोत INS तरासा देश की समुद्री सीमाओं की रखवाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश के पश्चिमी तटों की निगरानी और सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए इस जहाज से आपदा राहत कार्यों में भी मदद मिलती है। INS तरासा की तैनाती सुनिश्चित करती है कि समुद्री रास्ते से कोई दुश्मन देश में दाखिल न हो पाए। वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा के मुताबिक पोत का डिजाइन बेहद शानदार है, जो इसे तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की निगरानी तथा गश्ती की अग्रिम भूमिका निभाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। उन्होंने पोत के चालक दल और युद्धपोत निगरानी टीम कोलकाता की विशेष प्रशंसा की, जिनकी बदौलत पोत के सभी हथियार और सेंसर का सफल परीक्षण सुनिश्चित हुआ। वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा ने अपनी पहली यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि पोत ने खराब मौसम में कोलकाता से मुंबई की अपनी पहली यात्रा की, जो इसके प्रति अनुकूलता की गवाही देता है। INS तरासा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का चौथा और अंतिम पोत है। इस श्रेणी के पहले दो पोतों INS तारमुगली और तिहायु को साल 2016 में शामिल किया गया था, जो अभी विशाखापट्टनम में स्थित हैं। जबकि INS तिलाचांग को 9 मार्च को करवर से नौसेना में शामिल किया गया था। INS तरासा 50 मीटर लंबा है और ये 3 वाटर जेट से चलता है, जो इसे 35 नॉट्स यानी करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार देते हैं। पोत स्वदेशी तकनीक से बना है और इसमें 30 mm की बंदूकें और कई तरह के लाइट, मीडियम और हेवी आर्टिलरी से लैस है। CRN 91 30 mm का निशाना अचूक माना जाता है और ये गन रिमोट और मैनुअली दोनों तरह से ऑपरेट होती है, और ये खास गन इस INS तरासा पर लगाई गई है। पोत तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की निगरानी, इजैट निगरानी के साथ साथ गैर सैन्य अभियानों जैसे खोज और बचाव, मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशनों के लिए एक कारगर साबित हुई है। इसका नाम अंडमान निकोबार के एक टापू के नाम पर रखा गया है। ये भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज है जिसे INS तरासा का नाम दिया गया है। पहले INS तरासा ने 1999 से लेकर साल 2014 तक नौसेना में सेवा दी थी। नए INS तरासा का संचालन मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा किया जाएगा। ये चौथा युद्धपोत पश्चिमी समुद्री सीमा, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की तरफ आने वाले दुश्मनों पर नजर रखेगी। इसका घोष वाक्य है, तीव्र, तेज और निर्भय, यानी बिना किसी भय के तीव्र गति से अपने काम को अंजाम देना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।